नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशं आनंदि वल्लभं गोविंद देवं वतिनां वरिष्ठं लब्ध प्रतिष्ठं हरिभक्ति निष्ठं ज्ञाने गगण्यं कृतभूरि पुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल तक हमने देख लिया कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो है सब कुछ आहार क्या, यज्ञ क्या, तप क्या, दान क्या, ये सब कुछ त्रिविध है, यानी तीनों गुणों से, तीनों गुणों के कारण उनमें भेद होते हैं। और उसमें हमने देख लिया कि त्रिविध आहार की भी चर्चा हो गई, तीन प्रकार के यज्ञों को भी चर्चा हो गई। और हमने कल आरंभ किया था कि तप कैसा होता है। तो ये जो तप है, इसका पहला श्लोक भी हमारा हुआ था, पहला यानी यहाँ का 14वां, तप का पहला, तो 14वां श्लोक भी हुआ था कि शारीरिक तप क्या होता है, देह द्वारा किया जाने वाला तप क्या होता है, वो भी हमारा हो गया था। पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। अब आगे हम चलते हैं, यह है श्लोक 15वां। इसमें वांग्मय तप बतलाया है, यानी वाचिक तप क्या बतलाया है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। इसको वाङ्मय तप कहा जाता है। वाङ्मय यानी वाणी का, वाणी के द्वारा, वाचा के द्वारा। तो ये वाचिक तप क्या है, पहली बात अर्जुन को सुनाई है, लेकिन हमने भी ध्यान में रखनी है कि वाचिक तप की पहली बात क्या है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। हमारे मुंह से ऐसा कोई वाक्य ना निकले जिससे सुनने वाला उद्विग्न हो जाए, उद्वेग का वाक्य ना निकले। फिर क्या बोला है, सत्यम। झूठ बोलना, हमें इतना कुछ हो गया है कि यूं ही झूठ बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम कैसे झूठ बोल गए। भगवान कहते हैं नहीं, वाणी का तप ये है कि मुंह से सच सच ही निकले, सच छोड़ के कुछ भी ना निकले। और प्रिय हितम क्या है, सच कभी कभी कड़वा होता है, और इसलिए हम कभी कभी जो सच नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, हमेशा ही होता है। मान लीजिए कोई अनचाहा मेहमान आ गया, मन में लगता है अरे अब ये आदमी मेरा आधा घंटा खाएगा, लेकिन आप हंस के उसका स्वागत करते हैं। सही माने में असत्य नहीं है क्या, मन में तो उसके प्रति बिल्कुल भी स्वागत की भावना नहीं है, लेकिन मुंह से हम स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं, बुरे हैं क्या आप, नहीं, आप उसका मन दुखाना नहीं चाहते, यानी प्रिय और हित, उसको प्रिय लगे ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, हर इसी कारण तो मैं बोलती हूँ ना कि कई बार 24 घंटे में कई बार हमारे मुँह से कुछ तो भी असत्य निकल ही जाता है, और हमें उसका ये भी नहीं होता, भान भी नहीं होता कि मैं असत्य बोल गया या बोल गई। यहाँ क्या बोला है भगवान ने, सत्यम भी और प्रिय हितम भी, जो प्रिय भी हो और सत्य भी हो, सच हो परंतु कड़वे शब्दों में ना बोला जाए। सच बतलाना है किंतु संतुलित और अच्छे मधुर शब्दों में, ये बतलाया है वाणी का यानी वाचिक तप। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाक्य हो अनुद्वेग कर हो, सच हो, प्रिय हो, हितकर हो, ये हुई एक बात। दूसरी बात क्या बोली है, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी जो हमने
गुरु के मुख से सुना या जो हमने ग्रंथों से पढ़ा, जो भी अच्छा अध्ययन हमने किया कहीं से भी, हो सकता है आजकल तो आप यूट्यूब से लेते हो, कहीं से भी, गूगल से ले गए, कहीं से भी कोई अच्छी ज्ञान की बात यदि ली तो उसका स्वाध्याय होना आवश्यक है वाणी के द्वारा। जो हमने सुना भी है उसका बार बार आवृत्ति करना, ये भी एक वाणी का तप है। और अभ्यसनम, यही अभ्यास का मतलब वही बार बार बोलना, ये आवश्यक भी है। कभी कभी लगता है क्या बार बार बोले, ऊब जाते हैं। ये ऊबना नहीं है, ये क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई हम प्रार्थना करते हैं सवेरे, मालूम नहीं सब करते हैं या नहीं, लेकिन अधिकांश लोग तो करते हैं, तो सवेरे उठ के जो भगवान की प्रार्थना की, अब वही एक श्लोक तो बोलते हैं हम, वही है क्या रोज वही वही बोलना, ऐसा मत सोचिए। ये अभ्यसनम जो है, ये अभ्यास है, वो आवश्यक है। सवेरे उठ के जो हम बोलते हैं ना, केवल वो शब्द नहीं है, उसका हम मुंह से शब्द करते हैं, उसका उच्चार हम कानों से ग्रहण करते हैं, उसका ग्रहण हमारा मस्तिष्क करता है। तो देखिए, हमारा मुंह, हमारा कर्णेंद्रिय और हमारी चेतना, ये सब कुछ उससे उद्दीपित हो जाते हैं और वही हमारा पूरा दिन उसी के कारण अच्छा जाता है। इसलिए बोला है स्वाध्याय अभ्यसनम, ये सब वाङ्मयम् तपो उच्यते, यह है वाणी का तप। कल जो देखा था हमने, देह का तप था अहिंसा, हिंसा नहीं करें, गुरुजनों का पूजन करें, शुचिता से रहे और सरलता से रहे। अब ये बतलाया है कि हम बोलें कैसे। इसके बाद का श्लोक है मानस तप, मन का तप क्या है, देखिए। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसम उच्यते, इसको मानसम तपः उच्यते, इसको मानसिक तप कहा गया है, यानी मन के द्वारा किया जाने वाला तप क्या है। पहली बात मन प्रसादः, बहुत बड़ी बात है, मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। देखिए, दुख तो आता है, ऐसा नहीं है कि हमें 2400 घंटे और 12 मास हमें सुख ही मिले ना। कभी दुख की कोई वार्ता हम सुनते हैं, कभी हमारे घर में ही कोई ऐसी घटना हो जाती है, दुख तो है, फिर भी मन को यदि संतुलित रखें तो मन प्रसन्न होता है, होता है नहीं रहता है। यानी मन तो प्रसन्न है लेकिन कोई दुख की वार्ता सुनी तो वो उद्वेलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, शोकमग्न हो जाता है। यहाँ ये बोला है कि नहीं, उसको विचलित नहीं होने देना है। जो प्रसाद, प्रसाद माने मन की प्रसन्नता, जो पहले थी वो वैसी ही रहे, ये है मन प्रसाद, अभी चल रहे। सौम्यत्वम, कभी हम कठोर ना हो। ये कठोर हमारा, देखिए हम ये बोलते हैं कठोर शब्द मत उच्चारण करो, ये तो वाणी का तप हो गया। कठोर आचरण मत करो, किसी को मारा पीटी मत करो, ये देह का हो गया। लेकिन मन में जो विचार आएंगे वो भी सौम्य रहे, किसी के भी प्रति कभी कोई दुष्ट कठोर ऐसा विचार मन में ना आए, ये है मानसिक तप, बड़ा कठिन है। मौनम, मौन का अर्थ बहुत से लोग यही समझते हैं कि नहीं बोलना, उसको मौन बोलते हैं। बाद में क्या बोलते हैं, मौन व्रत है, बोलना नहीं है, मन में ही बोलते हैं कि मौन व्रत है, आज मैं बोल नहीं सकता, लेकिन किसी को संदेश देना तो जरूरी है, लिख के दिया, बोले नहीं। और उनको लगता है मैंने मौन का पालन किया, ये कहाँ पालन हुआ, अरे भाई लिख के दिया, यानी उसका सारा चिंतन तो हो ही गया ना, भले ही वाणी से नहीं बोला। यहाँ ठीक है, यहाँ वाङ्मय तप में मौन बोला है
तो ये तो है ही कि बोलना तो नहीं है, लेकिन वस्तुतः मौन का अर्थ क्या है? जो संस्कृत वाले हैं वो जानेंगे कि ये एक तद्धित शब्द है, मुने है भावः मौनम्। मुनि का भाव मन में लाना, ये है मौन। मुनि के मन में कुछ भी नहीं है बाकी, इस संसार के गृहस्थी की कोई बात नहीं है उसके मन में, मननात् मुनिः। और मुने है भावः मौनम्, जो मनन करता है, और मनन करके जो मुनि होता है उस मुनि का भाव मन मौन। और ये बतला है कि भाव है तो मौन में क्या होना चाहिए, ये नहीं केवल कि मैं बात ना करूं। श्रोता बोल सकते हैं, कम से कम मैं तो बोलती हूँ मौन के दिन, श्रोता ही बोलती हूँ और कुछ नहीं। और चिंतन जो है वो हमेशा उसका होना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोल सकती दावे से कि और कुछ मन में आता ही नहीं, आता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। जो मौन है सही उसमें क्या है, ब्रह्म चिंतन हो, भगवत चिंतन हो, आत्म चिंतन हो, इसको छोड़ के और किसी ऐहिक या भौतिक वस्तु का चिंतन ना हो, वो है मौन। और ये चिंतन किसकी बात है, मन की, इसलिए ये मानसिक तप है। मौनम आत्म विनिग्रह, स्वयं पर निग्रह, स्वयं पर नियंत्रण, ताबा पूरा। ये तो ठीक है कि उपवास के दिन अगर आपके सामने कोई अच्छी डिश आ गई तो वे आप खाएंगे नहीं, ये तो आपने इतना नियंत्रण तो है, लेकिन ये नियंत्रण किस पर है, इंद्रियों पर है, मन पर नहीं है। मन शायद गया है लेकिन नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए। होता क्या है, मन बोलता है कि मैं ये खाऊं, बुद्धि उस पर अंकुश लगाती है, अरे आज उपवास है तुम्हारा, ये खाना नहीं है। तो हो क्या रहा है, मन जाता है, बुद्धि अंकुश लगाती है, या उपवास वगैरह नहीं है लेकिन डॉक्टर ने मना किया है मीठा नहीं खाना है, सामने मीठी डिश आ गई, तो निगाह तो करते हैं लेकिन वो मन से होना चाहिए, मन ही ना जाए वहाँ, ये नहीं है मेरे लिए, बस ये है आत्मविनिग्रह। ठीक, यानी जिसको हम शम और दम बोलते हैं ना, उसमें ये शम है, शम यानी मन ही ना जाना, और दम यानी मन भले ही जावे लेकिन इंद्रियों पे नियंत्रण रखना। यहाँ ये बोला है मौनम आत्मविनिग्रह, और सबसे महत्व का भाव संशुद्धि। भावनाएं जो हमारे मन में उठती ही है, ये भावनाएं कैसी हों, समशुद्ध, केवल शुद्ध नहीं बोला है, उसके पहले उपसर्ग लगाया है, सम, सम्यक, समंततः, पूरी तरह से परिपूर्णतया शुद्ध भाव मन में हो, भावों की संशुद्धि, ये सब तपो मानस मुच्यते, ये है मन का तप। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के तप यहाँ बता दिए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों सात्विक तप के ही ऐच्छिक पर्याय हैं, सब सात्विक भाव के ही हैं। यानी ये श्रद्धा त्रय विभाग है ना, तो यहाँ तीन प्रकार की श्रद्धा ही बताई है, तो यहाँ सत्वगुण जो है, सात्विक जो बात है, सात्विक तप में ही ये तीनों हैं, ये तीन पर्याय हैं, कायिक है, वाचिक है, मानसिक है, लेकिन ये सात्विक तप के ही पर्याय है, ये समझ में आना चाहिए। क्या बताया है ये, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, तीन प्रकार का ये हो गया, शरीर वांग्मय यानि वाचिक, और मानस यानि मानसिक। ठीक, अब क्या बोलते हैं, अभी अगला सत्रहवां श्लोक है, इसमें बताया है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते।
ये है सात्विकम तपः, परिचक्षते यानी कहा जाता है। इस तप को सात्विक तप कहा जाता है। कैसा हो? श्रद्धया पराया तप्तम, पराया श्रद्धया, केवल श्रद्धा नहीं बोला है, परा श्रद्धा, अतिशय श्रद्धा। तो अतीव श्रद्धा के साथ जो तप्त किया जाता है यानी जिसका अनुष्ठान किया जाता है। कैसा? त्रिविधम, ये तीन प्रकार का यानी वही कायिक वाचिक मानसिक। तो ये कायिक वाचिक मानसिक जो हैं, ये जब परम श्रद्धा के साथ उनका अनुष्ठान किया जाता है, पर कैसे? श्रद्धा तो है, केवल श्रद्धा नहीं, आगे बोला है अफलाकांक्ष भी नरई ही, जो फल की आकांक्षा ही नहीं रखते। मैं ये त्रिविध तप का आचरण कर रहा हूँ, अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, मैं सत्यवाणी ही बोल रहा हूँ, मैं मन में सदैव सबके लिए अच्छी भावना रख रहा हूँ, मैं मौन का पालन कर रहा हूँ, ये सब जो है त्रिविध हो गया। ये तो वो श्रद्धया पराया करता है, लेकिन इन तीन प्रकार के तपों से यदि कोई वो फल की आकांक्षा करता है तो वो सात्विक तप नहीं है। फल नहीं चाहिए मुझे, मेरे मुंह से असत्य ना निकले, कोई अप्रिय कटु वचन ना निकले, बस इससे मुझे क्या मिलेगा ये नहीं सोचना। मैं हिंसा नहीं करूँगा, इससे मुझे क्या मिलेगा ये विचार नहीं। ऐसा जब होता है अफलाकांक्ष भी नरई ही त्रिविधम तपः श्रद्धया परया, परया श्रद्धया तप्तम, ऐसा जो होगा उसको सात्विकम परिचक्षते, ऐसे तप को सात्विक कहा जाता है यानी सत्वगुण युक्त। ठीक है, ये देखिए यहाँ श्रद्धया परया बोला है यानी सात्विक तप जो है इसकी मूल प्रेरणा है श्रद्धा। ठीक, अब राजस तप भी होता है, आपको लगेगा ये तो तपश्चर्या है, ये राजस कैसी होगी, ये तो सात्विक ही होनी चाहिए। अरे नहीं, देखिए कैसा है श्लोक 18वां, सत्कामान पूजार्थम तपो दम्भेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। इसको राजसम प्रोक्तम, इस तपश्चर्या को, इस तपस को राजस तप कहा गया है। राजस यानी रजोगुणी। कैसा? सत्कार मान पूजा, मैं तप करने जा रहा हूँ, फिर उसका ही ये कर देना, सबको भेज देना, वायरल कर देना कि मैं इस दिन तक मैं मौन का आचरण कर रहा हूँ, तो कोई मुझसे संपर्क ना करें। अरे ये इसकी ये क्यों किया? केवल संपर्क ना करें इसके लिए कहा है तो ठीक है, लेकिन मन में कहीं ये भी भावना होती है कि ये लोग समझ ले कि ये आदमी महीने महीने तक बिना बोले रह सकता है, मैंने इतने दिन का उपवास किया है, नवरात्रों के 9 दिन मैं उपवास का पालन कर रहा हूँ, और ये सबको बतलाने की क्या ज़रूरत है इससे कि लोगों के मन में मेरे प्रति सत्कार की भावना उपजे, लोग मुझे पूजनीय समझे। तो ये जो है ना तप तो करते हैं, करते नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन जो तप किया जाता है, चाहे मौन है तो वाचिक तप हुआ, चाहे उपवास है, ये जो है ये है वो दैहिक तप हुआ, ये करते तो हैं लेकिन सत्कार मान और पूजा, मेरा सत्कार हो, मेरा सम्मान बढ़े और लोग मेरी पूजा करें, पूजा यानी लोग मुझे पूजनीय समझे,
इसके लिए जो किया जाता है सत्का मान पूजार्थम या दम्भेन, दम्भ याने ढोंग, याने वस्तुतः मन जो है वो कहीं दौड़ रहा है। मन बोलता है कि मैं कुछ करूं, अमुक खाऊं, अमुक उपभोग करूं, लेकिन नहीं करना है। तो ये क्या है, मन यदि भी करता है तो भी हम स्वयं मन की ही वंचना करते हैं, स्वयं की वंचना। कितनी बड़ी बात है। अगर भाई धोखाधड़ी करना तो बड़ा पाप है ही, दूसरे को धोखा देना तो पाप है ही, स्वयं को धोखा देते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ मैंने इतने दिन की तपश्चर्या की, इतने दिन मैं मौन रह सका, इतने दिन मैंने उपवास किया, अब मैं कुछ बन गया। कुछ नहीं बनते जी, जो जो जहाँ था वो वही रहता है। जब तक उसका मानसिक आत्मिक उन्नयन नहीं होता तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये सोचते हैं, ये सोच जो है ना, ये रजोगुण की सोच है, इसलिए बोला है दम्भेन। तो सत्का मान पूजार्थम कि लोग मेरा सम्मान बढ़े मेरा इसलिए, या दम्भ के कारण ऐसा जो किया जाता है ना, यत् क्रियते तद् राजसम प्रोक्तम, उसको राजस तप कहा जाता है, यानी वो रजोगुण का है। कैसा है वो, चलम अध्रुवम, वो अध्रुव है। ध्रुव यानी निश्चित, ध्रुव स्थान माने ऐसा स्थान जहाँ से कोई हटा नहीं सकता। ठीक, यहाँ ये बोला है कि वो अध्रुव है, यानी इजीली सहजता से डिग जाता है वो आदमी। सोचा है मैं 9 दिन 9 रातों का उपवास करूँगा, मेरे ही पहचान के हैं एक व्यक्ति, सोचा पहले दिन डिंडोगा पीटा कि मैंने गत वर्ष तो नहीं किया था, इस साल से मैंने सोचा है 9 रातों के 9 दिन मैं उपवास करूँगा, डिंडोगा तो पीटा। 3 दिन तो बड़े अच्छे से निकाले, और 4th दिन नहीं, वो क्या, अच्छा ऐसा भी नहीं कि कुछ खाते नहीं थे, फलाहारे बहुत खाते थे, फिर भी नहीं, वो सब्जी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, चावल नहीं है, दाल नहीं है, वो तो नहीं मिलता ना, अब उपवास करोगे तो कैसे मिलेगा। लेकिन 3 दिन जैसे तैसे बिताए, 4th दिन अपनी पत्नी को बोल ही दिया, आज मैं नहीं करता, मैं पूरा खाना खाऊंगा। अब ये क्या हो गया, डिग गए। चल अध्रुव, ध्रुव नहीं गए वो, स्वयं के साथ भी ये वंचना है। तो ये जो है ना, ये रजोगुण है। फिर दूसरी भी एक बात है, जैसे तैसे करके 9 दिन निकाल तो लिए, हाँ, और जिस दिन 10वां दिन आया, हाँ बीत गए मेरे 9 दिन उपवास के, आज तो मैं खूब खाऊंगा। अरे ये क्या हुआ, यानी तुम्हारी जो चटोगा जिह्वा है उस पर तो नियंत्रण है ही नहीं, केवल कुछ दम्भ है ये, इसलिए ये बोला है ये सब अधूर है, टिकने वाला नहीं है, चला है, विचलित होते हैं ऐसे लोग। तो ये जो है ये राजस है, ये रजोगुणी व्यक्ति का ये तप है। तमोगुणी व्यक्ति भी तप करते हैं। सोचने में सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि तमोगुणी व्यक्ति क्या को तप करेगा, हमें लगता है कि तपश्चर्या तो केवल सात्विक लोग करते हैं, तो उनका तो पहले ही बता दिया है, पहले जो बताए हैं 14वां 15वां 16वां इन श्लोकों में वही बता दिया है कि 3 प्रकार का सात्विक तप कैसे होता है, कायिक वाचिक मानसिक, वो तो सात्विक हैं। लेकिन जो तमोगुणी होते हैं वो कैसे हैं, देखिए श्लोक 19वां, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योच्छादनार्थं वा तत्
तामसम उदाहतम, तत् तामसम उदाहतम। इस तप को तामस कहा गया है। तमोगुणी तप कैसा, दो पर्याय है इसके, दो पर्याय तो नहीं बोलूंगी, दो प्रकार का होता है। पहला क्या, मूढ़ ग्राहेण आत्मनः पीड़या, यानि मूढ़ ग्राह, ग्राह यानि हमारे जिसको हम बोलते हैं ना, कुछ हमारे मन में कुछ बातें आ जाती हैं और वो पक्का घर कर लेते हैं, उसको ये बोलते हैं दुराग्रही होना, हठधर्मिता होना, नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, बस ये जो है प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस जिसका होता है, मुझे वो अंग्रेजी शब्द नहीं मालूम ये करना था, इसलिए मैं बताना चाह रही थी, शब्द नहीं याद आए तो प्रेजुडिस बोल ही दिया। तो ये जो है ये ग्राह यानि कुछ एक मन की समझ और उसी को सही समझना, ठीक है। वो समझ जब मूढ़ होती है, मूढ़ यानि कैसी, मूढ़ धातु का अर्थ है विवेक खो देना, मूढ़ यानि अविवेकी। जब अविवेकी प्रेजुडिस होता है, जब हमारे मन की धारणा ही अविवेक की होती है, और उसके लिए जो तप किया जाता है, यानी क्या, कुछ सोच लिया कि हाँ मैं दिन भर पानी नहीं पीऊँगा, अन्न नहीं खाऊँगा, यहाँ तक तो ठीक है, निर्जली उपवास करूँगा, जल का भी ग्रहण नहीं करूँगा और इससे मैं बड़ा तपस्वी कहलाऊँगा, ठीक है। अब ये क्या है, किसने कहा है, गुरु जी ने कहा है, नहीं, किसी ग्रंथ में पढ़ा है, नहीं, सोच लिया। मूढ़ ग्राह ये जो है ये अविवेकी धारणा है, प्रेजुडिस है। तो मूढ़ ग्राहेण आत्मनः पीड़या, स्वयं को ही पीड़ा देना, नहीं खाना, नहीं पानी पीना, यहाँ प्राण छटपटा रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं, फिर भी नहीं मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ, और इसी में बड़ा गर्व महसूस करना, मैं देखिए प्राण छटपटाए, गला सूख गया, फिर भी मैंने नहीं लिया, ये क्या है, ये मूढ़ है, भगवान का शब्द है ना मूढ़ ग्राह। तो ये जो है ये अविवेकी धारणा है, ये एक बात हो गई, ये तामस तप है, तमोगुणी आदमी ऐसा सोचते हैं। दूसरी कौन सी बात है, परस्य उच्छादनार्थम, तपश्चर्या करते हैं काहे के लिए, मन में एक पहले ही बता दिया है कि जो अफलाकांक्षी है उसके द्वारा किया गया तप सात्विक है, इनको फलाकांक्षा तो है लेकिन फलाकांक्षा काहे के, देखो रजोगुणी आदमी की इतनी आकांक्षा है कि मुझे मान मिले, मेरा सत्कार हो, इसलिए वो करता है, मैं पूजनीय बनूं, यहाँ तक तो भी ठीक है। इसका क्या है, तमोगुणी का परस्य उत्साहनार्थम, दूसरे किसी का अहित होना चाहिए, इसके लिए मुझे उससे अधिक बलशाली होना है और इसलिए मैं तपश्चर्या करके भगवान को प्रसन्न करूँगा और वरदान मांगूंगा कि मुझे फलाने फलाने से अधिक शक्ति दो। हिरण्यकश्यप, रावण, ये ऐसे तपस्वी थे, तपश्चर्या कम नहीं थी, बहुत की, परंतु मूल भावना क्या थी उसके पीछे की, ये रावण का बेटा भी वैसा ही था, इंद्रजीत, मेघनाद वो भी वैसा ही था, ये सारे लोग तपस्या कम नहीं है लेकिन वो तपस्या जो है परस्य उत्साहनार्थम, दूसरे से मैं अधिक बड़ा बन जाऊं, इस फल की आकांक्षा करके जो किया जाता है तब वो तामस है, ठीक। तो हमने तपश्चर्या के छह प्रकार देखे, छह नहीं है वस्तुतः, तीन ही है,
सात्विक, राजस, तामस, और जो हमने तीन प्रकार देखे कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सात्विक के ही है। केवल सत्वगुणी ही वैसा कर सकता है, न रजोगुणी न तमोगुणी। तो ये हमने तपस्या के तीन गुण देखे। ये भगवान कहते हैं कि आहार अस्तुपि, आहार तीन प्रकार का होता है, यज्ञ, तप तथा दानम। तो आहार का भी बताया, यज्ञ का भी बताया, तपस का भी बताया, अब आगे वो बताएंगे दान। दान भी तीन प्रकार का होता है। दान शब्द कोई नया नहीं है, सबको पता है दान कैसा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये सब है। और यहाँ ये बतलाया है कि दान सात्विक दान कैसा होता है, राजस कैसा और तामस। तो चलिए 20वां श्लोक देखते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तद्दानं सात्विकम्। और ये स्मृतम बोले हैं। स्मृतम माने क्या? स्मृति ग्रंथों में लिखा है सब। जबकि बात क्या है, जब भगवान कह रहे हैं, भगवान के मुंह से जो निकली वो स्मृति नहीं है, वो श्रुति है। आप बोलते होंगे ना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वगैरह, श्रुति सबसे पहले है। और जो भगवान के मुंह से निकला है वही तो श्रुति है। श्रुति यानी वेद वचन। भले ही ये वेद नहीं है लेकिन वेद वचनों से कम थोड़ी है। किंतु ये भगवान है, ये ना ऐसा आचरण करते हैं कि उनके आचरण का हमने अनुकरण करना चाहिए। अभी बोल कौन रहे हैं? वासुदेव श्री कृष्ण यानी देहधारी। तो देहधारी है ना, इसलिए देहधारी का जो वचन है वो वेद वचन नहीं होता ना, इसलिए उन्होंने स्मृतम बोला है, वो स्मृति हो गई। इसलिए मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये है नारद स्मृति, ये इनको स्मृति बोला गया है क्योंकि ये मानव मोक्ष के द्वारा लिखा गया है। यहाँ ये बतलाया है कि दानम सात्विकम स्मृतम, यानी उस दान को सात्विक कहा गया है। कैसा? कि दातव्यम इति, देना है बस, उस दान से मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे कोई थैंक्स कहेगा, ये सब नहीं। दातव्यम देना है। इति यद् दानम दीयते, दातव्यम इति, इति मनसिक हत्वा, देना है इस एक ही विचार से जो दान दिया जाता है। किसको? अन उपकारिणे, जिसने तुम पे कभी उपकार नहीं किया उसको भी देना है। क्यों? क्योंकि वो पात्र है, वो योग्य व्यक्ति है। आप अभी तक आपने कभी उससे कुछ पाया नहीं है, उपकार नहीं हुआ है, फिर भी वो पात्र व्यक्ति है, योग्य है, तो उसको देना है। वो जो देना है अन उपकारिणे, यानि उसने उपकार नहीं किया है तो भी, और कैसे? देशे काले पात्र, ये तीन बहुत आवश्यक है। देश, देश माने जगह, उत्तम स्थान पर देना है। ये नहीं कि स्मशान में जाके दान दे दिया, बात अलग है, वहाँ पे भी दान दिया जा सकता है। परंतु जब हम बोलते हैं एक सात्विक दान, तो वो कैसा होता है? घर में बुला करके, पांव धुला करके, उनको आसन पे बिठा करके, सम्मान पूर्वक, तो ये है देश, योग्य स्थान पर। काले, काल भी योग्य होना चाहिए, यानि स्थान भी योग्य होना चाहिए, उचित समय पे भी होना चाहिए, और पात्र जिसको दिया जाता है वो व्यक्ति भी सत्पात्र होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सत्पात्र दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और वो सात्विक है कि योग्य व्यक्ति को योग्य स्थल पर, योग्य समय पर,
और उपकार का कोई सवाल ही नहीं, और दातव्य बस देना है, इतना ही है, मुझे बस ये दक्षिणा देनी है, समाप्त। इतना ही करके जो दिया जाता है वो सात्विक है। अब रजोगुण दान कैसे होता है देखिए, यत्तुपत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसंस्कृतम। उस दान को राजस कहा जाता है जो प्रत्युपकारार्थम, मैं आपके मंदिर को दान देता हूँ, लेकिन वहाँ पे लिखिए अमुक अमुक व्यक्ति से इतने इतने रुपए मिले। क्या हुआ, कुछ तो भी मन में है मेरा नाम हो, ये जो है ना ये रजोगुणी व्यक्ति का है। प्रत्युपकारार्थम यानी आज मैंने इस पर उपकार किया है दान देके, तो कल से उसने भी कुछ तो उपकार करना चाहिए, यानी पैसे के रूप में नहीं, लेकिन जब मैं कुछ काम कहूँ इसने करना चाहिए मेरा काम, जब भी मैं पुकारूँ आना चाहिए। ये जो है ना ये प्रत्युपकार है, उपकार और प्रत्युपकार। तो ये प्रत्युपकारार्थम वा फलम उद्देश्य, या तो मैं जिसको दान दे रहा हूँ वो मेरे आज्ञा का पालन करें, ये एक है प्रत्युपकार, या फलम उद्देश्य इससे मुझे कुछ फल मिलना चाहिए, यानी कुछ भी पुण्य मिलना चाहिए, पुण्य क्यों मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, यानी फल की कामना करके। ऐसा जो दिए इस प्रकार से जो दान दिया जाता है, लेकिन कैसे परिक्लिष्टम, देते समय मन में बड़ा क्लेश हो रहा है, क्लिष्ट है, जान पे आया है, इतनी बड़ी रकम मुझे देनी है, रकम छूट नहीं रही है हाथ से, फिर भी देना है, क्यों, प्रत्युपकारार्थम और फलम उद्देश्य। नहीं भैया ये करेंगे ना, अमुक अमुक जगह पे दान देंगे ना तो ऐसा होता है, ठीक है इतना दान देना, जरा जान पे आया है फिर भी दूंगा, ये सोच के जो दिया जाता है ना वो परिक्लिष्ट है। उस दान को भगवान कहते हैं, दान तो है भाई, दिया है तो दान कहलाया, लेकिन ये दान कैसा है, राजस है, रजोगुणी है। फिर कैसा है, अदेश काले, अगला श्लोक देखिए, अदेश काले यद्दानम अपात्रभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम। ये तामस दान है, कैसा है, अदेश काले, न स्थान का विचार न समय का विचार। मान लीजिए आप और आपके दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, मान लीजिए उस बस में डाकू आ गए और बोल दिया कि जो जो जिसके पास है वो दे डालो, अब देना तो पड़ेगा, डाकू है भाई, नहीं दिया तो जान जाएगी। ऐसे में वो दोस्त को बोलते हैं, हाँ मैंने तुमसे वो 1,000 रुपये लिए थे ना, वो मैं अभी तुमको वापस कर रहा हूँ, ले लो, हाँ मैंने दे दिए, क्यों, इसका भी जाना है मेरा भी जाना है, अब ये दान हुआ क्या। तो ये अदेश अकाल, तो अदेश काले यद्दानम या अपात्रभ्य, ऐसे व्यक्ति को दान देना कि जो वो दान की रकम लेगा और जाके पी के आएगा। अब ऐसे व्यक्ति को दान देना ही नहीं चाहिए। तो अपात्रभ्य अदेश काले यद्दानम दीयते, और वो भी कैसे दीयते, असत्कृतम। देखिए जिसको दान या दक्षिणा दी जाती है उसके लिए मन में अटूट श्रद्धा होती है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विनय के साथ, आदर के साथ उसको दान दिया जाता है, वो है सात्विक दान। यहाँ कैसा है, असत्कृतम, कोई सत्कार मत का कुछ नहीं, हाँ लो
ऐसे करके यदि दिया किसी याचक को, किसी भीख मंगे को, यदि हमने दे डाला, हाँ ले चुप है, अब ये क्या है, ये दान हुआ क्या? असत्कृतम, सत्कार की भावना ही नहीं है। अवज्ञातम, अवज्ञा करना यानी तिरस्कार करना, तिरस्कार के साथ, सत्कार के बिना, और अदेश काले और अपात्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो सारा का सारा है तो दान भाई, क्योंकि पास से पैसा दिया गया तो दान कहलाया। लेकिन ये दान तो शब्द है उसको, लेकिन ये दान संज्ञा जो है ना उसको विशेषण है तामस दान। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के दान भी बता दिए हैं कि जो सात्विक दान, राजस दान और ये तामस दान। ये है कुआ श्रद्धा त्रय, यानि तीनों प्रकार की श्रद्धा त्रय है ना ये, तो तीन प्रकार का सब कैसा कैसा होता है, तो त्रिविध दान तो सब बतला है, त्रिविध आहार ये सब, त्रिविध आहार, त्रिविध यज्ञ, त्रिविध दान, त्रिविध तप, ये सब बता दिया है। अब आगे हम कल देखेंगे, आज यही विराम करते हैं। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।